बस थोड़ी देर में रिवील ही होने वाला है कि आखिर इसमें है क्या, कि कौन से सुख के बारे में, कि मुझे कैसे मिली। चलो भाई लोगों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, क्या चल रहा है भाई ट्रांसफॉर्मेशन में, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, और स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की हाईलाइट हमारी स्पॉन्सरशिप रहने वाली है। ये मैंने आपको बताया था मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है, बहुत दिन हो चुके हैं इस पैकेट को रखे हुए, इतना भी टाइम नहीं है कि इसको खोलूँ, उसके बारे में वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आज यही काम करते हैं, रोज सोचता हूँ सुबह को आज इसकी वीडियो बनाऊंगा, आज इसकी वीडियो बनाऊंगा, पर दिन कब निकल जाते पता नहीं चलता। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का अगर मैं बोलूँ तो भाई, 1 जुलाई को हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी थी। 1 जुलाई जैसे कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है बॉडी एंड माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस बारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारी बॉडी और माइंड और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। सब चीज़ें इसमें जो है चौतरफा विकास कर रहे हैं अपना। तो अगर हम बॉडी से बॉडी का देखें तो बॉडी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, जैसी 1 जुलाई को थी 1 अगस्त को भी ऐसी है, शायद कम भी कह सकते हो, क्योंकि पिछले जब से मैंने एक्सरसाइज छोड़ी, एक्सरसाइज छोड़ता हूँ तो कुछ खाता पीता हूँ नहीं, रोटीन सब कुछ छोड़ देता हूँ मैं, तो और वेट थोड़ा सा कम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल जुलाई कैसी रही है, तो बहुत ही बढ़िया रही है। जो बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं लाइफ के अंदर, उसमें मैं बहुत आगे निकला हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग थी वो चीज़ें निपटाई हैं, बहुत लोगों से बातें की हैं। ट्रांजिशन फेज चल रहा है मेरी लाइफ का ये, ठीक है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, तो उसी की तैयारी मेरे मन में लगा हुआ हूँ, उसके बारे में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करना है। तो ऐसा चल रहा है लाइफ का और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बॉडी का अगर देखा जाएगा। तो अब चीज़ें जो है बहुत शॉर्ट है, तो अब आज 1 अगस्त से मैंने आज एक्सरसाइज शुरू किया, आज जिम से गया हूँ मैं, कल भी गया था वैसे तो शाम को, लेकिन आज से कंटिन्यू करते हैं, आज से बोलते हैं कंटिन्यू किए। और लाइफ के बारे में और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये रहा मेरा सब कुछ। अब बात करते हैं हम अपनी स्पॉन्सरशिप के बारे में, ये मुझे कैसे मिली और क्यों मिली, किसकी वजह से मिली, आपको कैसे मिल सकती है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली है, ठीक है, और मैंने किस मल्टीनेशनल ब्रांड की तरफ से मुझे ये जो है स्पॉन्सरशिप मिली है। ठीक है, जब मैंने इसको अनाउंस किया था आपको बहुत खुशी हुई थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी, सबको बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर का एक सपना होता है कि उसको स्पॉन्सरशिप मिले, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की जाती है, बहुत सारी चीज़ें लोग जो है गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको नई चीज़ें ये मिलती है, कंपनी उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी नहीं करती है। वो क्या गलतियाँ हैं वो हम बात करेंगे तो किसी दिन, लेकिन अभी सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। तो फाइनली इसका टाइम आ चुका है इसको खोलने, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर भाई, बहुत खुशी हो रही है, चलो फाइनली इसका टाइम आ चुका है। बस थोड़ी देर में रिवील ही होने वाला है कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है भाई, सबसे पहले हम तो ये है माई प्रोटीन मल्टी नेशनल ब्रांड स्पॉन्सरशिप जो मुझे मिली है, उसमें जो है सबसे पहले प्रोटीन है, ठीक है, ट्रॉपिकल फ्रूट फ्लेवर, अच्छी क्वालिटी और अच्छा फ्लेवर, ये दो चीज़ें होती हैं मेन। क्वालिटी मिलती है तो कहीं फ्लेवर नहीं मिलता, कहीं फ्लेवर मिलता है तो क्वालिटी नहीं मिलती। तो माई प्रोटीन ने बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स निकाले हैं, तो उसके बारे में, तो इसमें एक ट्रॉपिकल फ्रूट फ्लेवर ये है जिसको हम बहुत चेक करके मैं आपको रिव्यू दूंगा कि वो कैसा है। क्वालिटी तो माई प्रोटीन की आपको पता ही है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, बड़े बड़े एथलीट इसको प्रमोट करते हैं, तो इसमें क्वालिटी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी हम चेक करके बताएंगे। आपको पता है प्रोटीन के बारे में मैं कितना कॉन्शियस रहता हूँ, हमेशा अच्छा ही प्रोटीन लेने की आपको सजेशन देता हूँ, और क्योंकि मेहनत करते हो तुम और प्रोटीन अच्छा नहीं है, मेहनत पूरी कर रहे हो, रिकवरी नहीं मिल रही है, तो क्या फ़ायदा उसका। कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अच्छा प्रोटीन लो, और माई प्रोटीन मैं यूज़ कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, फ्लेवर का सीन है, फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं। और इसमें एक और चीज़ है भी, वाह, अब ये है भाई ट्रॉपिकल फ्रूट फ्लेवर, इसमें पता नहीं कुछ चेंजेस हैं या पैकेट में ही चेंज है, वो आपको मैं बहुत जल्द चेक करके बताने वाला हूँ। ये इसका पैकेट तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम कलरफुल लग रहा है पैकेट, एक ही फ्लेवर को खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो फ्लेवर का बड़ा सीन रहता है। मैं तो सोच रहा था कि मैं इस बारी 2-3 फ्लेवर के प्रोटीन खरीद के रख लूँगा, क्योंकि काम आते रहते हैं कभी किस फ्लेवर में से लिया, तो अभी ये चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा इसका फ्लेवर कैसा है। 2 चीज़ें ये होगी, और एक और चीज़ है इसमें हमारी, ये हमारा माई प्रोटीन का शेकर, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। आपको वीडियो में कैसा लग रहा है पता नहीं, पर इसको देखेंगे ना हाथ में लेने के बाद,
ये लग रहा है कि प्रीमियम क्वालिटी का शेकर है। इसको आप माई प्रोटीन की वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। तो खोल कर देखते हैं, इस तरीके से अंदर से है ये। इस तरीके का शेकर मुझे चाहिए था हमेशा से, और ये मुझे जो है मिल चुका है। तो इन सब चीज़ों का रिव्यू करके आपको बहुत जल्द सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। क्वालिटी में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, माई प्रोटीन की मैं यूज़ कर चुका हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अब बात मेन बात आती है हमारी फ्लेवर की, तो फ्लेवर कैसा है वो आपको जल्दी ही बताऊंगा। इनको यूज़ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ HSF को, जिन्होंने मुझे इतना प्रोफेशनली एथलीट एक्सपीरियंस दिया है, इतना प्रोफेशनल एथलीट एक्सपीरियंस दिया है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है मुझे वहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माई प्रोटीन का, जिसने मुझे प्रोडक्ट भेजे हैं। जल्दी इनका रिव्यू करेंगे, फिर बताऊंगा मैं उनको कि इसकी क्वालिटी और इसके जो है फ्लेवर के बारे में। अब जल्दी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको कैसे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो। आपने देखा होगा मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन क्या चीज़ें जो है कंपनी देखती है जो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, क्या चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर आपको इस गेम में लंबा चलना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का इंतजार करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है।